अभी तो हमारे घर तोड़ने पे बात आ रही है सर, हम लोग बार बार चक्कर काट रहे हैं, हम लोग दिन भर काम कमाकर हम लोग खाने वाले हैं। अब हम कचहरी कोर्ट में कैसे लड़े सर? हमारे सरकार से कुछ नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, अनाज गैस मकान कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला 50 साल से कुछ नहीं मिला है। आप झूठ बोल रहे हो या सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ बोल रहे हो? सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ऐसे बोलते हैं, हमारे से ऐसे ही वोट मांगते हैं, ना जगह बनाते ना नाली बनाते। सरकार को पता चल जाए कि गरीब लोग कुछ भी कर सकते हैं। गैस सिलेंडर दे दिए, अनाज दिए, राशन कार्ड भी डिलीट हो रहा है सब लोगों का, वो भी नहीं बना रहे। कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं दिए। कि हमें गरीबों को आवास योजना मिलनी चाहिए। लेकिन आवास योजना तो दे दी है सबको मोदी जी ने। सर हमें तो कहीं किसी को नहीं मिलती सर। हमें तो अपनी जिंदगी निकाल, हमें तो घर चाहिए और वहाँ पे रही, जहाँ पे हम रह रहे वो ही हमारा घर होगा। मोदी जो भी वोट मांगने के लिए आते हैं, जो पहले तो बोलते हैं भाई जगह जमीन दिलाऊंगा, मकान बनाऊंगा, सब बनाऊंगा, ना मकान है ना कुछ है। दोस्तों आप हमारे पीछे देख रहे हो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कौन है, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब आपको बताएंगे। ये लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं और सरकार से अपनी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हुए हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार। तो चलिए जानते हैं इन लोगों से कि क्या मांग है इनकी सरकार से। तो सर से पहले बात करते हैं, क्या नाम है सर? हमारा नाम अमन राय है सर। अमन राय कहाँ से हैं? मैं भद्रपुर से हूँ, दिल्ली से सर। दिल्ली से क्यों इस तरह से जंतर मंतर की धरती पे क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? सर हम लोग ऐसे 40 साल से बसे हुए हैं सर। 40 साल से? कहाँ पे? से यहाँ भद्रपुर में सर। जी ना हमें कोई मकान बन रहे, ना कोई बन, हमारी झोपड़िया भी थी वो भी कुछ जगह हमारी तोड़ दी है, कुछ जगह बाकी है। किसने तोड़ी? अब सरकार ने तोड़ी सर जी। कौन से सरकार? अभी हमारे मोदी सरकार ने तोड़ी सर हमारी जगह। केंद्र सरकार? हाँ केंद्र सरकार ने तोड़ी सर। तो अभी हमारा और भी केस चल रहा है सर जी। जी अब हमारे पास को केस लड़ने के लिए कोई पैसे तो है नहीं, हम जैसे भी कुछ करके कमा। लेकिन मोदी सरकार तो वादे किए थे कि 2022 के खत्म होते होते सबके पक्के मकान बन जाएंगे। सर झूठे वादे सर, मकान तो बनाने की बहुत दूर की बात है। अभी तो हमारे घर तोड़ने पे बात आ रही सर, हम लोग बार बार चक्कर काट रहे हैं, हम लोग दिन भर काम कमाकर हम लोग खाने वाले हैं। अब हम कचहरी कोर्ट में कैसे लड़े सर? हमारे पास इतनी कोई आमदनी है नहीं कि हम लोग कोई किसी वकील को कर सके या किसी को लड़ सके सर जी। ऐसा तो सर भी है, इस तरह से आप जो फेस में ये क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि अपने देश की मिट्टी लगाकर। जी हाँ जी। और हम लोग 40-50 साल से बसे हुए और हमें ना नेतागिरी कोई हमें सहायता कर रहा है ना कुछ कर रहा है। सरकार से कुछ नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। अनाज गैस मकान कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला 50 साल से कुछ नहीं मिला है। आप झूठ बोल रहे हो या सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ बोल रहे हो? सरकार झूठ बोल रही है? सरकार झूठ बोल रही है। तो वोट कौन देता है फिर? वोट तो देना ही पड़ेगा। वो तो जो वादे करते हैं वो क्या है? सब झूठ निकल रहे हैं उनके, वादे हो रहे हैं, सब झूठ है, सब झूठ ही निकल रहे हैं उनका। आप देख रहे हैं कि किस तरह ये लोग अपने मकान को लेकर धरने पे बैठे हैं, इनके मकान को तोड़ा जा रहा है और इनको पक्का मकान अभी तक नहीं मिला है। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 के लास्ट तक सभी के पक्के मकान होंगे, लेकिन ये लोग कौन है? क्या ये लोग हिंदुस्तान के लोग नहीं है जिनके अभी तक मकान नहीं बने? क्या कहोगे आंटी, क्यों बैठे हुए यहाँ पे? कुछ मकान नहीं है हमारे घर में। क्या क्यों बैठे हुए? बैठे हमारे हक को लेकर इतनी ठंड में अब बैठे हुए? हमारा हक मांगने आए सर, हम इतने साल से बसे हुए हैं, हमको घर चाहिए, घर के बदले घर, जगह के बदले घर चाहिए। लेकिन मोदी सरकार तो बोली थी कि 2022 खत्म होते होते सबके पक्के मकान होंगे। ऐसे ही बोलते सर, वो तो हर सरकार ऐसे बोलते, हमारे से ऐसे ही वोट मांगते है, ना जगह बनाते ना नाली बनाते, ऐसे ही रखते हम कीचड़ में पड़े सर। ऐसे ही वोट ले लेते हैं आप? ऐसे ही ले लेते हैं, ठग लेते हैं हम लोगों को, हम गरीब लोगों को। पहले हमारे 6 नंबर टूटी, 6 नंबर की टूटी, हमारे लोग कहाँ बिखर गए। क्या देखिए, क्या नाम है पहले आपका? दीदी नाम है जी। तो क्यों यहाँ पे बैठे हुए जंतर मंतर पे इतनी ठंड में? छोटे बच्चे हमारे पास में, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 40-50 साल से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। हम लोग क्या हुआ है आपके साथ? हमारा हुआ है, सरकार ने बोला यहाँ से उठो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ थे, कहाँ से? भद्रपुर भाट कैंप। भद्रपुर भाट कैंप से? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे हमारे पास में, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को भी जगह वगैरह चाहिए जी। हमारा हक चाहिए। 6 नंबर का भी बोल के गया और 6 नंबर मोदी सरकार ने बोला था कि 22 के लास्ट तक सबको पक्के मकान हो जाएंगे, ऐसे बोल के पहले ही मेरे हमारे 6 नंबर के मकान तोड़ लिए जी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम छोटे बच्चे लेके, हमारे गरीब लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको भी हक मिलना चाहिए, हमारी भी जगह मिलनी चाहिए। क्या लगता है सरकार हक देगी? आप सरकार को देना पड़ेगा।
देना पड़ेगा पड़ेगा उनको सरकार को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा फिर हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके। तो देना होता तो अभी तक तो दे दी होती। देना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो सरकार को पता चल जाएगा। फिर सरकार तो मंदिर बनाने में व्यस्त है, सरकार को पता चल जाएगा। गरीब लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। जब गरीब लोग मर सकते हैं, सरकार से डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। जब सरकार को डर नहीं लग रहा है गरीबों से, क्या चाची डर नहीं लग रहा है? नहीं लगता, नहीं डर नहीं लगता सरकार से? नहीं लगता, नहीं लगता। हक मांगेगी, डर किस बात का लगेगा? अपना हक मांगेगी, अपना हक लेके रहेगी। मंदिर मंदिर बोली थी, मंदिर तो बना ही रही है। मंदिर बनाए, घर कहाँ बनाया? घर तो झुग्गी झोपड़ी में, हमारा तो घर नहीं बनाया, घर नहीं बने, हमारे घर भी तोड़ दे सब। तो देख सकते हैं ये महिलाएं ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड है, दिल्ली की ठंड में इस तरह से बैठी हुई है, और अपने हक को लेकर इनको मकान चाहिए दोस्तों, मकान, जो कि मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 के लास्ट तक सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। लेकिन ये लोग कौन हैं जिन्हें अभी तक झुग्गी तक नसीब नहीं हुआ है? क्यों बैठे हुए हैं चाची यहाँ पे? बैठे घर के लिए बैठे हुए हैं। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आए। क्या हुआ आपके साथ? अच्छे दिन हमारे साथ न्याय हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम लोग 50 साल से रुके हुए भाट कैंप बदरपुर में। हाँ। हम लोगों को उठाने का ऑर्डर आ रहा है कि आप उठाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा कोई सहारा भी नहीं है, कोई घर मकान भी नहीं। आपको कोई मकान मुहैया नहीं? कुछ नहीं मिला। लेकिन मोदी सरकार बोल रही है 2022 के लास्ट तक में सबको घर मिल जाएगा। 2022 खत्म हुआ, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बोला है, कुछ मिला भी नहीं है। सामने उठा रहे, उजड़ कर रहे, गैस सिलेंडर दे दिए, अनाज दिए, राशन कार्ड भी डिलीट हो रहा है सब लोगों का, वो भी नहीं बना रहे, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। तो देख सकते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे अभी तक कुछ नहीं दिए, और ये भाई साहब देख रहे हैं देश की मिट्टी लगाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं सरकार को? सर क्या सरकार को जगह घर टूटा हमारा कोई दिन बनाया? हाँ, हम मकान मांग रहे हैं सर। मकान मांग रहे हैं? हाँ, घर मंदिर तो दे रहे हैं सरकार? कुछ भी नहीं दे रहे सर। मंदिर तो बना ही ना राम मंदिर? नहीं नहीं, कोई नहीं बनाया हमारे लिए। तो आपके लिए कुछ नहीं बना? नहीं बनाया सर। अनाज, अनाज 5 किलो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही खाली बोल के जाते, कुछ भी नहीं देते, बोल के जाते हैं बस। डर नहीं लगता है सरकार से? क्या डर लगता है सरकार भी सामने हमारे को डर, देशद्रोही घोषित कर देगी। देशद्रोही घोषित है वो, देख सकते हैं। एक भाई साहब है, पोस्टर दिखाइए थोड़ा, क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा हुआ है सर। चुप चुप है लेकिन ये ना समझो, हम सदा को हारे हैं, रख के नीचे, राख के नीचे, अभी तो रात के नीचे, अभी तो जल रहे अंगारों है। मजदूर आवास संघर्ष समिति, तो ये लोग मजदूर आवास संघर्ष समिति से हैं, और जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? क्योंकि ये लोग 40 साल से दिल्ली के बदरपुर में झुग्गी बनाकर रह रहे थे, और उनके झुग्गियों को तोड़ा जा रहा, हटाने का ऑर्डर आ गया है। क्या हुआ है आपके साथ सर? सर हमारे साथ ये हुआ है कि हम 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर, हम आए थे कुछ जंगल। 50 साल हो गए सर जी। 50 साल पहले आए थे, कुछ नहीं था जंगल में जी। जब हमने अपनी झुग्गी बनाई तो हमारी कैंप का नाम हुआ था सर डोरा तंबू, डोरा कैंप था। अब वो बदल के हमने भाट कैंप बना दी, भाट कैंप। तो धीरे धीरे हमने छोटा सा अपना मकान बनाया, छोटा सा जी। अब मकान बनाया तो कोर्ट वाले बोल रहे आप पे केस हो रहा है कि आप तो ये प्राइवेट प्लॉट पे पड़े हैं। हाँ। जब हम पहले आए थे तो फिर उस टाइम कहाँ थे वो मालिक? मतलब कि अब मकान बना रहे हैं तो उस पे रोक लग रहा है? मकान तो बने हुए हमारे सबके, झुग्गी मकान, झुग्गी बने हुए। हाँ, सब झुग्गी बने हुए। मकान बने हुए कि झुग्गी बने हुए सर? ऐसे ईंटों से बना रखा, ऊपर से वो क्या नाम, एल्वेस्टर पे लगा रखा है सर जी। अब मालिक आके बोलते हैं कि आप केस ठोक दे सर हमारे पे। अब केस, हम गरीब आदमी, हमें तो पता ही नहीं है तुम पहले कहाँ थे जी। अब हम तो ये प्रधानमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री से ये कर रहे हैं कि हमें गरीबों को आवास योजना मिलनी चाहिए। लेकिन आवास योजना तो दे दी है सबको मोदी जी ने सर, हमें तो कहीं किसी को नहीं मिलती सर। पहले इंदिरा गांधी आवास योजना ही हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पीएम आवास योजना चल रहा है, राजीव गांधी आवास योजना, अनाज दे रहे हैं सबको मोदी जी, गैस सिलेंडर फ्री में दिए, आपको क्या क्या मिला सर? हमें आधे लोगों को तो अनाज मिल रहा है, और आधे लोगों का वो पता नहीं नाम नोट काट दिया उन्होंने। आप सर हम ये चाहते हैं कि हम गरीब लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर टूटने के बाद? क्यों, हमें 50 साल हो गए, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम दिल्ली में कोई जमीन खरीद सके जी। अब हम तो इस सरकार के सहारे ही पड़े हैं, जो हम भी वोट दे के सरकार बनाते हैं और हम ही उजाड़ रहे हैं।
आप एक बात समझिए, जो देश को बनाता है, तमाम जो बड़े बड़े इमारतें आपको दिखती होगी वो कौन बनाता है? यही मजदूर लोग बनाते हैं, और इनको रहने के लिए एक मकान नसीब नहीं हो रहा है। सोच लीजिए, ये खुद के लिए मकान नहीं बना पा रहे हैं, देश के मकान को बनाते हैं, उनके रहने के लिए एक मकान मुहैया नहीं करवा रही है सरकार। और ये लोग को अगर नहीं मिलेगा मकान, ये लोग मजदूरी नहीं करेंगे, तो कैसे बड़े बड़े इमारतें जो हमारे राजधानी में शोभती है वो इन्हीं लोगों के बलबूते शोभती है। और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम नारे लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं कलाकार मजदूर मांग रहा है आवास, जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, मजदूर आवास संघर्ष समिति से। क्या दिक्कत है आपको? सर जी हमें उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं? सरकार उठा रही है। अरे सरकार तो सबको आवास देने का वादा की थी। वादा क्या है, सब झूठ है सर। सरकार सब झूठ बोलती है, बोलती काले की योजना देगे, कोई योजना नहीं मिल रही हम लोग को। हम लोग यहाँ पे 40-50। क्या प्रूफ है कि झूठ बोलती है सरकार? हमें तक अभी तक कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिला है। 40-50 सर, 5 kg अनाज सबको दे रही है सरकार। यहाँ पे हम 3-4 क्या कर रहे हैं? हमें तो अपनी जिंदगी निकाल, हमें तो घर चाहिए, और वहाँ पे रही जहाँ पे हम रह रहे वो ही हमारा घर होगा। मोदी जी वादा किए थे सबको पक्का मकान देने, सब झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। राशन कार्ड भी रद्द किया जा रहा है हमारे से। उज्ज्वला योजना से गैस, जो गैस है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका जो राशन है, जो राशन कार्ड बनाया गया है, जो वो भी रद्द किया जा रहा है उनका राशन कार्ड। क्या हुआ है आपके साथ सर? ना राशन कार्ड बनाना कुछ बना, खाली बोल के जाते हैं। मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सब झूठ है। जब इलेक्शन आता आते इलेक्शन जाने के बाद तुम कौन है हम कौन है, ऐसी सरकार है। विकास किसका हो रहा है? किसका नहीं हो रहा विकास, तो अभी तो किसका भी नहीं हो रहा है। हाँ? जगह तोड़ दे, कुछ 6 नंबर तोड़ दे प्लेट हमारा, अब 7-8 पे केस। मोदी जी झूठ बोलते हैं? झूठ बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? जो भी वोट मांगने के लिए आते, जो पहले तो बोलते हैं भाई जगह जमीन दिलाऊंगा, मकान बनाऊंगा, सब बनाऊंगा, ना मकान है ना कुछ है जी। बस 6 नंबर भी टूट गया हमारा, अब 7-8 पे केस ठोक दिया। देख सकते हैं यही लोग देश का मकान बनाते हैं, और इनका मकान तोड़ा जा रहा है। सर गरीब आदमी है, 6 नंबर आदमी हमारे। कहाँ से आप? हम दिल्ली से सर जी, भद्रपुर बॉर्डर से। 40-50 साल हो गए हम रह के जी। एक भी सरकार को क्या कहना चाहिएगा? सरकार को बोलना चाहिए हमारा मकान दिला दो, घर मकान दिला दो हमको, बस घर मकान दिला दो। हाँ बस यही मांग। गैस दे रही है, अनाज दे रही है? नहीं दिए अनाज भी, नहीं दिए ना कुछ दिए। फ्री में गैस दी ना उज्ज्वला योजना से? नहीं दिया, कुछ नहीं दिए, गैस दिए ना। ये क्या रखे हैं आप लोग? तो ठंड नहीं लग रही है? इतने ठंड में आप लोग बैठे हुए हैं, ठंड नहीं लगती आप? घर टूट रहे सर जी, घर टूटे हमारे, घर तोड़ रहे हैं। हाँ तोड़ रहे हैं सरकार। कौन है वो लोग? ये सरकार मोदी, सरकार तो बोलती है मोदी जी सबका साथ सबका विकास। कहाँ दिया विकास हुआ ना, साथ हुआ, साथ साथ ले लेते, विकास नहीं करते हैं। विकास करते कुछ भी नहीं दिया हमें तो, ना वोट देने के लिए आते, सिर्फ बस वोट लेके चले जाते, फिर भूल जाते हैं, भूल जाते फिर। तो मोदी जी को क्या कहेंगे? वो तो बोलते हैं सबको रोजगार देने का वादा करते हैं, पक्के मकान, जल में नल, अनाज, गैस, सब तो सब झूठ बोलता है मोदी, सब कुछ भी देता है। लाल किला से खड़ा होकर झूठ बोलते वो? हाँ सब झूठ बोलता है, देता तो कुछ नहीं, बस वोट लेता है बस। अच्छा, बस देश का बेटा कहला रहे हैं वो? ना बेटा है, कहाँ बेटा, बेटा तो हमें गरीब को दो बेघर कर दिया उसने, धरना थोड़ी बैठते हम लोग, बेघर कर दिया, फिर बेघर तो कर दिया। तो आपने सुना इन लोगों की दुखरा को, किस तरह से ये लोग मकान के लिए लड़ रहे हैं, मकान के लिए। भाई जो देश का मकान बनाते हैं वो मकान के लिए लड़ रहे हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर जोड़िएगा कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या सरकार इन लोगों के साथ सही कर रही है या गलत कर रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार सोचिएगा कि जो दुनिया देश का मकान बनाती है उनको मकान मुहैया नहीं हो रहा है, तो इस देश में ये देश कैसे विश्वगुरु बनेगा। तब तक के लिए जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।